हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी की तरफ से रोल आउट हुए कुछ अपडेट्स के बारे में, अपडेट न्यूज़ के बारे में और भी बहुत कुछ। साथ साथ बात करेंगे रियलमी 4.0 बेस एंड्रॉइड 13 के अपडेट के बारे में और कब जाके कौन से डिवाइस के अंदर अपडेट रोल आउट हो रहा है इसके बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर किस तरह के अपडेट के ऊपर इंटरेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल में क्लिक करना ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देरी के स्टार्ट करते आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे रियलमी C35 यूजर्स के बारे में। दोस्तों रियलमी C35 के अंदर अगर आपके डिवाइस में एंड्रॉइड 12 का अपडेट है, अगर आप C35 के अंदर एंड्रॉइड 12 रन कर रहे हो तो दिसंबर मंथ का जो अपडेट है वो रोल आउट होगा बहुत ही जल्दी। C.11 वर्षन जो है वो रोल आउट हो गया। आपको पता है पहले C.7 था, उसके बाद C.8, C.9, C.10 और C.11, इतने अपडेट रियलमी C35 यूजर्स जो एंड्रॉइड 12 अपने डिवाइस के अंदर रन कर रहे हैं उनके लिए अपडेट रोल आउट हो गया है। बट अभी तक बहुत यूजर्स ऐसे भी है जिन लोगों को अभी भी रियलमी वाई की तरफ से एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट तक देखने को नहीं मिला है अपने डिवाइस C35 के अंदर। तो उन डिवाइसेस को भी बहुत ही जल्दी स्टेबल अपडेट प्रोवाइड करना चाहिए और साथ ही साथ दिसंबर मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट भी एंड्रॉइड 12 यूजर्स को देना चाहिए C35 के अंदर। दिसंबर 2022 में रियलमी नार्सो 30 प्रो के अंदर जो अपडेट है रोल आउट हो गया है रियलमी ऑफिशियल की तरफ से। और दूसरे जो अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है आप लोगों के लिए। जो वर्षन आपको देखने को मिलता है 8.06 वर्षन आपको देखने को मिलता है रियलमी ऑफिशियल की तरफ से, बहुत ही जल्दी आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगी जो अपडेट है। बात करें इसके अंदर आपको सिक्योरिटी में नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 दो मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। साथ ही सिस्टम्स के अंदर आपको फिक्स सम नोन इशू एंड इंप्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। हर एक सिक्योरिटी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक यूजर्स के लिए, क्यों होता है इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है ब्रो। यहाँ पे बात करें तो ये अपडेट आपने नहीं करा तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। मतलब ये अपडेट इतना इम्पोर्टेंट है और आपके डिवाइस के लिए भी और आपके लिए भी। क्यों है बाद में समझा दूंगा, पहले डिवाइस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 2022 रियलमी GT2 के अंदर रियलमी 4.0 में एंड्रॉइड 13 का अपडेट ऑफिशियली रोल आउट हो गया है। एक और स्टेबल अपडेट है ये, जिन्होंने अभी तक स्टेबल अपडेट नहीं किया उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है, जाइए और अपडेट को कर लीजिए। एंड्रॉइड 13 विद रियलमी 4.0 का स्टेबल अपडेट न्यू बैच है ये। अगर बात करें अगर आपने पहले कर रखा है अपडेट तो आपके डिवाइस में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो दिखाई दे रहा था, अब उन सारे प्रॉब्लम्स को इस अपडेट के साथ C.11 के साथ फिक्स किया जाएगा। क्या है वो प्रॉब्लम अभी कभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अपडेट जो है C.11 है, 4.0 पे एंड्रॉइड 13 का अपडेट है, नवंबर 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। अब बात करें क्या क्या फिक्स किया जा रहा है। यहाँ पे बात करें सिस्टम्स के अंदर आपको जो है स्पीड इंक्रीज किया जाएगा, स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट किया जाएगा, साथ साथ बैटरी लाइफ, ऐप एक्सपीरियंस सारे कुछ जो है यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा जो 4.0 के बाद डिक्रीज हो गया था, सारे कुछ यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। साथ साथ बात करें फिक्स एन इशू जो है चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रहा था वो अब नहीं होगा, चार्जिंग प्रॉब्लम फिक्स किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके डिवाइस कभी कभी रिस्टार्ट हो रहे थे रैंडमली तो वो भी यहाँ पे फिक्स्ड किया जाएगा इस अपडेट के साथ। मैंने कहा था ना ये अगर अपडेट आपने नहीं करा तो आपके जीवन भी है और डिवाइस भी दोनों ही अधूरे रह जाएंगे। यहाँ पे बात करें कैमरे के बारे में तो ऐड सपोर्ट फॉर डिस्प्ले लोकेशन इन फोटो वाटरमार्क। अगर आपके डिवाइस में फोटो वाटरमार्क अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे से लोकेशन भी ऐड हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है जो ऐड किया गया है। साथ ही साथ लॉक फीचर्स में अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट इशू बहुत सारे होते, फिंगरप्रिंट फेल हो रहा था, फिंगरप्रिंट करने के वक्त ब्लिंकरिंग इशू आ रहा था, स्क्रीन जो था वो डार्क हो रहा था, तो ये सारे इशू को, ये सारे बग्स को इस अपडेट के साथ टोटली फिक्स किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कभी जाके कर लेना अपडेट, ठीक है। बात करें डिस्प्ले के अंदर, अभी भी रुको बहुत कुछ है डिस्प्ले के अंदर। अगर बात करें तो अगर आपके डिवाइस में अगर आप आउटडोर जाके विजिट करते हो तो ब्राइटनेस जो है उतना कम लग रहा था, अब नहीं आएगा वो कमी, ब्राइटनेस को भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया है इस अपडेट के साथ। साथ ही साथ बात करें फिक्स एन इशू पर ऑटो ब्राइटनेस एडजस्टमेंट माइट फेल, ऑटो ब्राइटनेस काम नहीं कर रहा था कभी कभी, वो भी इस अपडेट के साथ फिक्स किया गया जो प्रॉब्लम आ रहा था। इतने सारे प्रॉब्लम को फिक्स किया गया इस अपडेट के साथ, मैंने इसीलिए कहा अगर आपने ये अपडेट नहीं करा तो आपका जीवन और आपका डिवाइस दोनों ही अधूरे रह जाएंगे। जाइए अभी कभी कर लीजिए और जिन लोगों के पास एंड्रॉइड 13 का अपडेट नहीं है उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, जाइए स्टेबल अपडेट को भी कर लीजिए इस अपडेट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दिसंबर 2022 एक और अपडेट रियलमी C33 के डील रोल आउट हो गया। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक न्यू चीज़ जो है इस डिवाइस के अंदर ऐड हुआ है, न्यू फीचर्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपडेट जो है 8.65 वर्जन आपको देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से C33 के अंदर। ये जो अपडेट है गजब का अपडेट है क्योंकि यहाँ पे आपको नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बात करता हूँ बहुत सारे फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिक्स एन इशू दैट कॉजेज वाईफाई एंड पर्सनल हॉटस्पॉट नॉट टू वर्क ओकेजनली। यहाँ पे जो वाईफाई एंड हॉटस्पॉट दोनों काम नहीं कर रहे थे कभी कभी, अब नहीं होगा, वो बग्स यहाँ पे हटाया गया है इस अपडेट के साथ। बात करें
रैम इंक्रीज कर सकते हैं अब इस अपडेट के बाद से। रैम एक्सपेंशन यहाँ पे ऐड किया गया है C33 के अंदर। बहुत ही जल्दी बाकी सी सीरीज के डिवाइस के अंदर भी आई थिंक रैम एक्सपेंशन जो फीचर्स है वो ऐड किया जाएगा। बात करें फिक्स एन इशू दैट कॉज नो साउंड ओकेशनली व्हेन प्लेइंग वीडियो ऑन सम थर्ड पार्टी ऐप्स। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स पे अगर आप कुछ वीडियो प्ले कर रहे थे वहाँ पे आपको जो है साउंड सुनाई नहीं दे रहा था, अब से वो नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जाइए अभी कभी कर लीजिए। मैं तो इतने सारे अपडेट के बारे में बात करा तो कितने लोगों को कितना अपडेट देखने को मिला जरूर नीचे कमेंट करके बताना। आज के वीडियो में मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।